गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी को स्वागत है आपका आज के इस ब्लॉग में। और सुबह हो गई है गाइस, 9 बज रहे हैं, 9 आई थिंक 9 बज रहे हैं, क्योंकि मैंने टाइम नहीं देखा है, बट अप्रोक्सीमेटली यही टाइमिंग हो रहा होगा। सो आज का ब्लॉग हम शुरू करते हैं। और आज ओ माय गॉड, देखिए प्रियंका भी आ गई है। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो आज का व्लॉग हम लोग शूट करेंगे। अभी हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है, अभी मैंने सिर्फ नमकीन खाई है, चाय पिया है, और प्रियंका ने भी कुछ ऐसे ही खाया है। तो अभी हम लोग कुछ बनाएंगे अपने लिए। सोच रही हूँ कि सब्जी पूरी बना लूँ, वही खाने का मेरा मन हो रहा है। सो तुम क्या बनाओगे? वैसे तो मैं इस चक्कर में हूँ, प्रियंका कुछ बना ले तो मैं खा लूँ। प्रियंका, तुम्हें क्या सोच रहा है आज के लिए? आपने देखिएगा, आप अभी तो ये ब्लॉग नहीं आ पाएगा, वो वाला ब्लॉग एडिट करना है। मैंने इन सब के लिए ना वेज बिरयानी बनाई थी, इन सभी की डिमांड के ऊपर। सच्चाई बताओ? हाँ बनाई थी। आप बताइए। अभी आ गए हैं दूध वाले अंकल जी, तो प्रियंका जा रही है दूध लेने के लिए। तो हम लोग प्रियंका से बाद में मिलेंगे, फिर हम लोग किचन में चलेंगे। मैं कुछ प्रियंका ही से बनवाऊंगी आज। क्या नाश्ता कर रही हैं? देखिए प्रियंका जा रही है भगोना लेके दूध देने के लिए। डिंग 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 डिंग। उसके बाद हम लोग चलेंगे बाहर। बंद करने कर ही दिया, सूर्य बनना चाहता है। तुम बनाओगी? ओके, तो किचन में पहले से ही है दीदी, वो ऑलरेडी कुछ बना रही है। आई थिंक कुछ बना रही है, तो प्रियंका को भी नहीं बनाना पड़ेगा और मुझे भी नहीं बनाना पड़ेगा। तो हम लोग किसी में से पूरी ले लेंगे और अपना नाश्ता कर लेंगे। गाइस, उधर चढ़ाया हुआ है दूध और इधर बन रही है पूड़ियाँ। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं बाहर। अभी कचरे वाला भी नहीं आया, कचरे वाला बड़ा लेट आता है। कचरा भी देखिए रखा है देने के लिए। सो गाइस, अभी तो यहाँ पर कोई नहीं है, अभी तो बस आराम से बैठना है। और गाइस, अभी देखते हैं क्या बनाए हम दोपहर के लंच में। सोच रहे हैं आज अरबी की सब्जी बना लें। कहाँ चली गई? अभी नहीं है, देखे ना कहाँ पे है। अच्छा यहाँ पे हो, हम पूरे घर में ढूंढा है। तुम्हें पता होना चाहिए, जब हम नहीं मिल रहे तो हम कहाँ होंगे। अच्छा चाय बन रही है। यस, बन गई, लेकिन अब चाय बन रही है। ये चाय लेने आई थी तो पूरी बन चुकी चाय, इनको नहीं मिली, चाय खत्म हो गई है। मैं डाल रही हूँ शक्कर और बना रही हूँ अपने लिए चाय। मैं दूसरी बार चाय बना रही हूँ, मैंने थोड़ी सी चाय पी थी, फिर बाकी चाय साफ हो गई। तो इनको यहाँ पे चाय बनाने देते हैं और हम लोग चलते हैं अंदर, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। रुको रुको, हम भी चल रहे हैं। रुक जाओ, हम भी चल रहे हैं भैया। आओ चाओ, बस थोड़ा सिम कर देते हैं गैस पे और अपना ये चाय बनेगी। मैं थोड़ी ना गर्मी में खड़ी रहूंगी यहाँ पे। इसको बंद कर देते हैं ना, नहीं तो अभी बानर जी आ जाएंगे। हाँ, हमारे यहाँ बानर जी बहुत आते हैं, किप्रिस से भी सामान निकाले जाते हैं। किप्रिस चेक करेंगे, फिर कहेंगे ओ माय गॉड, गरम गरम चाय बन रही है, तो पी लिया जाए। सो हम लोग आ गए हैं अंदर। ओके, तो गाइस हम लोग की चाय बन गई है और अब बस चाय लेकर अंदर। चाय के साथ क्या खाना है? पूरी खाना है और थोड़ा सा सब्जी लेना है, और मुझे वैसे सब्जी नहीं खाना, मुझे थोड़ा सा ऐसा मसाला लेना है। ओके, तो थोड़ी देर
टेस्टी लग रहा है। तो गाइस हमने ले लिया है थोड़ी सी सब्जी, मतलब मुझे मसाला ही चाहिए था, और उसके बाद हम लोग चलते हैं अपना नाश्ता लेकर। देखिए खाना खाने का समय है, लेकिन ये फिर से ले आए हैं एक कप चाय और उसके साथ ये देखिए थोड़ी सी नमकीन। तो चाय और नमकीन इनकी खाने के समय भी चालू है, और फिर से ये लगी हुई हैं अपने कुछ काम में, मोबाइल में कर रही हैं, तो इनको काम करने देते हैं और हम जाते हैं अपना काम करने, क्योंकि हमें अपने बालों को ज़रा ठीक करना है। बस आज लंच में प्रियंका ने बनाई है चटनी पुदीने की, अमिया की, और खिचड़ी बनी है, क्योंकि बहुत धूप है तो कुछ भी मसालेदार खाने का मन नहीं। तो हम सब ने मिलकर लंच किया, बहुत अच्छा लग रहा था। कभी कभी लाइट खाना खाना चाहिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद हम लोगों को जो अपने काम करने थे वो हम लोगों ने काम किए अपने। फिर शाम हो गई और शाम को बाबू आया अपनी कॉपी किताब और बैग वैग लेकर। अभी बाबू खा रहे हैं। बाबू क्या खा रहे हैं? ब्रेड है। और यहाँ पर प्रियंका खा रही है हम लोगों की बचपन की यादें, ये गोल वाली मीठी वाली इमली जो बहुत ही टेस्टी लगती है। सो आज सब लोग वही खा रहे हैं। मुझे भी चाहिए एक इमली। कहाँ से वो वाली है? क्या खाते हो? खाते हो? खाते हो? नहीं, रिया वाली इमली नहीं है, ये चूरन वाली है। चूरन वाली है, रियल वाली इमली होती है ना, तो शक्कर की लगी होती है। बाबू खाते हो? जमाने के साथ सब कुछ आर्टिफिशियल है। ग्लास में अपना पानी पिए। अच्छी है, खा लेते हैं। शाम हो गई है और जो शाम की पूजा होती है वो भी कर ली है प्रियंका ने। अभी इधर दीदी पढ़ा रही है बाबू को, होमवर्क उसको मिला है बहुत ज़्यादा, सो वो होमवर्क कर रहा है। बोल रहा था हम लोगों को भी कि हम भी चलेंगे साथ में, लेकिन हम लोगों ने मना कर दिया क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों को मंदिर जाने में लेट हो गया था। सो गाइस शाम हो गई है और अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर। आज मैं जा रही हूँ मंदिर, वैसे तो प्रेरणा ही जाती है, लेकिन अभी प्रेरणा घर पे नहीं है तो हम दोनों ही जाएंगे। चलिए आप भी हमारे साथ। लेट हो गया क्योंकि बाबू कह रहा था उसे भी चलना है और होमवर्क कर रहा था, लेकिन होमवर्क में उतना लेट लगा रहा था कि हमने सोचा कि हम ही लोग चलते हैं मंदिर और उसके लिए कुछ ले आएंगे खाने के लिए। ठीक, कभी कभी निकलती हैं और आज इन्हें सौभाग्य मिल रहा है माता रानी तो मिल रहा मंदिर जाने का सौभाग्य। हाँ, तो ये बहुत लकी हैं ये आज शाम को भी मंदिर जाने, वो भी शुक्रवार को। लीजिए हम लोग मंदिर आ गए। आज हम लोग ज़्यादा देर नहीं रुके मंदिर में, सिर्फ दिया जलाया और 10 मिनट हम लोग मंदिर में रुके, माता रानी को प्रणाम किया और उसके बाद हम लोग घर की ओर आ गए क्योंकि हम लोगों को सब्जी भी लेनी थी।
गाइस अभी गर्मी आ गई है क्योंकि सो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सब्जी लें, क्योंकि ऐसी सब्जी वहाँ पर मैक्सिमम थी जो हम लोगों को नहीं पसंद है, बट फिर भी जो समझ में आया वो हमने ले लिया। और फिर हम लोग घर की ओर आने लगे तो सडनली प्रियंका ने कहा बाबू के लिए बताशे ले रहे हैं, तो हम लोग बताशे लेने के लिए भी आगे बढ़ गए कि चलो ले लेते हैं, हम लोग भी खा लेंगे। तो मुश्किल से हम लोगों को 10 मिनट लगे, हम लोग जल्दी से गए बताशे लिए और सब कुछ पैक हो गया था 5 मिनट के ही अंदर, और 5 मिनट हम लोगों को जाने में लगा। उसके बाद हम लोगों ने सब्जी वब्जी ले के बताशे लेकर तुरंत घर की ओर हम लोग आए और बहुत थक गए थे गाइस चलते चलते, ऊपर से गर्मी भी है लेकिन हवा हल्की फुल्की चल रही थी, जब चलो तो बहुत गर्मी लगती है। सो गाइस फाइनली हम घर के अंदर आ गए हैं, अब डिनर की तैयारी करनी है मुझे, तो जल्दी से जो हम लोग सब्जी वब्जी लाए थे वो मैंने कहा काट लूँ क्योंकि ऑलरेडी 9 बज चुके थे हम लोगों को और डिनर नहीं बना था। बाहर गई हुई है, सो प्रियंका मैंने और दीदी ने ही जो भी व्लॉग शूट करा वो हम ही तीनों ने करा है, और हम लोगों को दूसरे काम भी करने थे, ऐसे प्रेरणा सब चीज़ें मैनेज कर लेती है सो थोड़ी हेल्प हो जाती है हम लोगों की। देखिए आटा भी गाइस गूंथ लिया मैंने आटा, और बस इसको थोड़ी देर ऐसे रख देंगे कवर करके और ये बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। सो लीजिए गाइस डिनर बन गया है, गर्मा गर्म रोटियां भी बन गई हैं और बस अब सबको खाना ही है। सो हम सब ने मिलके डिनर किया और इस तरह से हमारा दिन हुआ कंप्लीट। सो मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सब ऐसे ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।